प्रयागराज में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है। झड़प के दौरान छात्र नेता ने आत्मदाह की कोशिश की है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है, वहां एक छात्र नेता ने आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद एक छात्र नेता ने आत्मदाह की कोशिश की। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ वहां पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जिसके बाद देखिए प्रयागराज में कैसे यूनिवर्सिटी में उस वक्त हालात गंभीर हो गए जब एक छात्र नेता ने आत्मदाह की कोशिश की। विनय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, क्या हुआ ये बताइए, क्या मामला है? देखिए, जिस तरीके से लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस वृद्धि का मामला है उसको लेकर छात्रों का जो अनशन है वो लगातार विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जारी था। आज सुबह जो है छात्र जो है वो बैठे हुए थे, अचानक से एक छात्र नेता जो है वहां पे आंदोलन के दौरान किरोसिन का जो तेल है वो अपने पर छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की है। जैसे ही पुलिस को और आला अधिकारियों को सूचना मिली है आत्मदाह की, तुरंत वहां पे सारे जितने अफसर थे वो वहां पे मौजूद हो गए हैं, क्योंकि छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से छात्रों पर उत्पीड़न भी करने का आरोप जो है वो लगाया गया है, क्योंकि इससे पहले चीफ प्रोक्टर द्वारा जो है तकरीबन 14 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात छात्रों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। तो लगातार छात्रों का कहना है कि फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए लेकर वो अपनी मांग कर रहे हैं, और ऐसे में कहते पुलिस प्रशासन द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी को लेकर छात्रों में आक्रोश है काफी ज्यादा भारी संख्या में। शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।